आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। क्या कन्हैया कुमार के सवालों से अब भारतीय जनता पार्टी डरने लगी है और कन्हैया कुमार के सवाल अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता तक पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आप तमाम दर्शकों का आज के हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के सियासी रणनीति को बनाने की पूरी जद्दोजहद कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में आज राहुल गांधी की एंट्री होते ही तहलका मच गया। जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के होश उड़ गए, क्योंकि राहुल इज बैक। और जिस तरीके से देखा गया कि राहुल गांधी का संसद में वापसी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने खुलकर उनका स्वागत किया, और बहुत बड़े हद तक ये देखा भी जा रहा है कि राहुल गांधी का स्वागत करने के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि कांग्रेस एक नए मुकाम के साथ दोबारा मजबूत होती नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं कन्हैया कुमार की, तो सीधे सीधे तौर पर जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या कन्हैया कुमार के सवाल वाकई अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता तक पहुँच रहे, तो फिर क्या माना जाए कि 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि 24 का चुनाव जीतने के लिए विपक्षी पार्टियों ने जो अभी हाल ही में तमाम बैठकें की, चाहे वो पटना हो या फिर बेंगलुरु, और नतीजे देखे जा रहे हैं कि विपक्ष लगातार जीत रहा है। तो एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे कैसे कन्हैया कुमार के सवाल अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता तक पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि PFI के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है, गधा को भी चार पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और RSS की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब आज आप यूथ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जब आप कहते हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर पांचवा युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के
कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शरीर है तो NSY और यूथ कांग्रेस को दोनों हाथ मनना पड़ेगा, यह बात हम लोगों को समझना होगा। जब तक इस देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके मैसेज में, जिसके स्नैपचैट पे, जिसके इंस्टाग्राम में, जिसके व्हाट्सएप पे झूठ परोस करके, मिस इंफॉर्मेशन परोस करके उनको गुमराह किया गया है, जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम स्कूल स्कूल नहीं पहुंचेंगे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते हैं। जो सवाल है यहां पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है इंडिया, यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। भारत का बुनियाद है इंडिया, और वो जो इंडिया है वो इंडिया एक सोच है, और वो सोच को हमको एक एक कार्यकर्ता को अपने व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। अगर हम महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने रखें तो किस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने का मिलता है। गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया, ये गांधीवादी तरीका है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने, जो स्थितियां इस वक्त की बन रही हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई 2024 का लोकसभा चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं, या फिर विपक्ष मिलकर जिस तरीके से खड़ा सवाल किए भी किया जा रहा था कि अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस हो जाती है तो वो प्रधानमंत्री चेहरे के लिए आगे आते नजर आएंगे, तो क्या सीधे तौर पर माना जाए कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चेहरे के लिए अब आगे आते नजर तो आ रहे हैं, और सीधे सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं, तो क्या अब राहुल वर्सेस मोदी जो 2024 से पहले नजर आ रहा है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।